तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम कुछ ट्रिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स जो कि है तो नॉर्मल था लेकिन उसका यूज करने पे हमारे हमारी रिपोर्ट्स को और ज्यादा प्रैक्टिस मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे सबसे पहला ट्रिक हम बात कर रहे हैं चार्ट को जूम करने का। ठीक है ना, क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ डेटा की समरी है और उसके हमने चार्ट जैसे डैशबोर्ड में जानते ही आप कि डैशबोर्ड में हम लोग चार्ट बनाते हैं तो चार्ट छोटा होता है लेकिन हम चाहते हैं कि वो चार्ट जूम हो जाए, बड़ा हो जाए। हालांकि जूम करना होता नहीं है लेकिन जूम जैसी फीलिंग होती है। तो वही हम आपको कुछ रिपोर्ट्स बना रहे हैं उसको चार्ट को जूम करना सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जैन पैप दिया और यहाँ पे हम यहाँ मान लीजिए सेल्स दे रहे थे, तो इसपे हमने चार्ट बनाया, हम जैसे उसकी कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, कट करके मैं इसको एक्सिट रखता हूँ। ठीक है, अभी चार्ट को डिजाइन में जाते हैं और हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट में कुछ इस तरह का फॉर्मेटिंग हम ले लेते हैं। ठीक है, चार्ट बन गया हमारी, और चार्ट हो सकता है कि छोटा चार्ट हो। तो जूम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है विथ एक्सेल। तो विथ एक्सेल में क्या होता है कि हम इस चार्ट को कॉपी करते हैं, एक अलग सीट पे जाते हैं और उस सीट पे चार्ट को हम बड़ा कर देते हैं। समझ गए, बड़ा हो गया। और बड़ा करने के साथ साथ बाकी जो फालतू के जो रो होते हैं उसको, कॉलम होते हैं उसको हाइड कर दीजिए। कॉलम को हमने हाइड कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके हाइड। और ऐसे ही जो फालतू के नीचे रो होते ताकि दिखे, सामने वाले को दिखे कि ये जो है वो चार्ट ही है एक तरह से। समझ गए, ये हो गया। कई सारे तरीके, एक तरीके पहला तरीका, ये जो रो एंड कॉलम होते हैं उसको भी आप हटा सकते हो लेकिन हटाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करता हूं कि मैं इसकी राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करने के बाद यहां से हमारे पास इस पे तो नहीं, हाँ ऊपर में यहाँ इंसर्ट में आपके पास हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक में क्लिक करें और यहां पे बुक मार्क में, या यहां आता है पहले दिस डॉक्यूमेंट, शीट थ्री को सेलेक्ट कर लेते हैं और वापस हम शीट थ्री पे आते हैं, राइट सेलेक्ट करते हैं और इसको वापस हाइपरलिंक में जाते हैं। हाइपरलिंक यानी कि चार, पूरे चार को सिलेक्ट करेंगे तो हाइपरलिंक एक्टिवेट होगा वरना एक्टिवेट नहीं होगा, और वापस इसको सीट टू सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं इस, ठीक है, अभी क्या होता है कि मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है सर, या फिर दूसरा तरीका होता है कि इस पे हम चार्ट बना रहे हैं, मान लीजिए हमने एक चार्ट इंसर्ट किया से। ठीक है, और एक बार फिर दोबारा हम इसी को सिलेक्ट करें और इसी में हमारे पास होता है F11। ठीक है, F11 क्या करता है, F11 भी आपका एक चार्ट का सीट दे देता है, चार्ट शीट। ठीक है, चार्ट ऑन शीट। तो उस केस में भी क्या होगा कि अगर मैं इस वाले की, ध्यान रखिएगा दोनों का डिजाइन सेम रखिएगा तो पता नहीं चलेगा कि ये मूव मतलब कि लिंक हुआ हुआ है। फिर मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में, इसमें इंसर्ट में जाता हूं और यहां हाइपरलिंक एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमने चार्ट प्लॉट एरिया को सेलेक्ट कर रखा। चार्ट एरिया को सेलेक्ट करोगे तो हाइपरलिंक यहां पे वर्क करेगा। सिलेक्ट कर लिया और मैं यहां पे चार्ट वन आना चाहिए था यहां पे।
नहीं, चार्ट वन यहाँ डिफाइन नेम में आता है, बट दिख नहीं रहा है, लिंक शायद नहीं होता है फिर। नहीं, नहीं लिंक नहीं हो पाएगा। करंट फोल्डर, पॉज पेज, फाइल सेंट, नहीं पे हम देते हैं। ठीक है, ये यूज नहीं होगा, ये नहीं होगा, माफ कीजिए, ये चार्ट वाला सीट वाला नहीं होता, लेकिन आप इसको ले सकते हैं, चार्ट वाला सीट। मैं गलत सोच रहा था, मैं सोच रहा थे, हालांकि वीवीए कमांड से हम कर सकते हैं, लेकिन वो अलग तरीके है, वो आपको हम आगे बताएंगे। दूसरा, ये तो हो गया चीट ऑन चार्ट, लेकिन दूसरा एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है देखिए, उसके लिए हमें इंसर्ट में यहाँ ऑब्जेक्ट पे जाना होता है। टेक्स्ट है ना, इसमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, ऑब्जेक्ट इस पे जाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा हैंग होता है। हाँ, ऑब्जेक्ट में हमें यहां पे प्रेजेंटेशन को लेना पड़ेगा एंड ओके। ठीक और इसके अंदर देखिए, ये पावर पॉइंट खुल गया, और इस पावर पॉइंट में हमें चार्ट को इंसर्ट करना। चार्ट में जो डेटा है, डेटा को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या अपना खुद का डेटा दे सकते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, खुद का डेटा दे सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चार्ट बना दीजिए, यहाँ डेटा कॉपी करके यहाँ डाल सकते हैं, चार्ट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बन जाएगा। पीछे जा रहा है, क्लिक टू, इसको एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी क्लिक कीजिए बाहर कहीं किसी एक्सेल पे, ये आपका हट जाएगा, हट गया, चार्ट दिख रहा है, लेकिन चार्ट और विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं दिख रही। लेकिन जैसे डबल क्लिक करूंगा मैं इस पे, डबल क्लिक करते ही थोड़ा सा हैंग हो रहा है, क्योंकि मेरा सिस्टम काफी देर, मैंने कि 2-3 दिनों से ओपन ही क्लोज नहीं हुआ है इसलिए। तो जैसे डबल क्लिक करूंगा, एक पूरी की पूरी इसकी एक ये आएगा फुल स्क्रीन, ठीक है सर। अच्छा, ये उसी फाइल में हुआ है क्या? एक्सेल हाँ की ही फाइल में हाँ एक्सेल की जो फाइल। पावर पॉइंट खोला था वो उसी में सेव है या वो अलग से सेव होगा? उसी में सर, तो हमें अलग से नहीं सेव करना पड़ेगा? बेसिकली ऑब्जेक्ट एम्बेड होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसको डबल क्लिक करते हैं, जैसे डबल क्लिक करेंगे जूम होके आपके सिस्टम पे, और जूम होके बड़ा होगा, एस्केप मारोगे तो सिर्फ फाइल ही नहीं, पूरी पूरी पावर पॉइंट स्लाइड को भी इसी तरह से आप ओपन कर सकते हैं। समझ गए? हाँ, पूरी पावर पॉइंट स्लाइड मतलब नहीं समझा मैं। मतलब कि पूरी की पूरी पावर पॉइंट की फाइल कर सकते हो आप। एम्बेड कर सकता हूँ हाँ पावर पॉइंट में एक्सेल का डेटा? ओके, मतलब ठीक है, एक्सेल का डेटा पावर पॉइंट में एम्बेड कर, ओके सही ना? क्लियर है। हाँ और वो जो पावर पॉइंट खुला है अभी बाजू में है, नहीं उसको सेव करना पड़ेगा क्या? नहीं जरूरत नहीं है,
वो डबल क्लिक करने से खुला है, उसको। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़े, यस। तो चार्ट को जूम करने का ट्रिक्स पता चल गया आपको। चलिए, अब चार्ट को जूम करने के बाद आता है माउस इवेंट की बात। माउस की इफेक्ट करने की बात हम करते हैं, समझ गए। जैसे माउस सेक्शन की बात ये रही कि मैं अगर किसी पे क्लिक करूं तो रिपोर्ट, जो रिपोर्ट दिखे उसी के अकॉर्डिंग दिखे हमारा, समझ गया। बस हमें एक तो होता है कि सिलेक्ट करना, एक होता है ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना, दूसरा होता है टाइप करना, लेकिन मैं चाहता हूं माउस पॉइंटर के साथ। जैसे माउस पॉइंटर पे जाए तो चार्ट उसी के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होता चला। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहां पे बैंक्स दे दिए, बैंक्स में यहां मंथ हमारा जैन बैंक का है, ठीक है। और यहां पे मैं कई सारे बैंक, SBI, HDFC, HDFC, IDBI, एक सेकंड कीजिएगा सर, एक सेकंड। तो यहां पे मेरे पास नंबर है, ठीक है। अभी क्या है कि मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक ऑफिसर का फॉर्मूला लगाया, मान लीजिए बैकएंड में होता है, फ्रंट में कुछ और होता है, और नेम ये देता हूँ कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे इक्वल इसको सिलेक्ट किया कॉमा, इसको सिलेक्ट करते हैं कॉमा जीरो करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला बार नहीं दिख रहा है, लग रहा है फॉर्मूला बार हिडन हो गया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेल ऑप्शन में जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा एडवांस में। एडवांस में नीचे आएंगे, सो फॉर्मूला बार दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसमें मैं A9 को डिलीट कर देता हूं F4 से, हो गया। अब मैं इस पे चार्ट इंसर्ट कर रहा हूं, राइट। यहां पे कट किया और किसी और सीट पे जाता हूं और यहां पे इसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहां डिजाइन में जाता हूं, सही, इसमें इंसर्ट में, और यहां से सैप्स लेता हूं। तो शेप्स में बहुत सारे शेप्स हैं, एरो के निशान वगैरह हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इसमें से इसको लेता हूं, और इसमें हम सबका कलर ब्लैक कर देते हैं। तीन है, तीनों कलर, और इस पे टाइप कर, इसका कलर, इसका टेक्स्ट कलर जो है व्हाइट कर देता हूं मैं। यहां हम करेंगे SBI, और थोड़ा सा इसका साइज में बड़ा कर देते हैं, ये हो जाता है। इसमें क्या था, HDFC है ना, HDFC, और फिर इसकी साइज को भी हम यहां से बड़ा कर देते हैं, और ये आपका आता है
IDBI, और इसकी साइज भी हम यहां से बड़ा कर देते हैं, तो ये जीएसटी बड़ा हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं, जो दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करूं तो मुझे एचडीएफसी का दिखना चाहिए, इस पे क्लिक करूं तो एसबीआई का, इस पे क्लिक करूं तो आईडीबीआई का। समझ गए? क्लियर है? यस। तो उसके लिए क्या करूं? तो सबसे पहले यहां इस पे क्लिक करता हूं मैं, एक मिनट, यहां फॉर्मूला बार में इसकी कैलकुलेशन मैनुअल हो रखा है, यहां पे लग रहा है ऑटोमेटिक है। तो सबसे पहले एक माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है लेकिन मैं माइक्रो रिकॉर्ड करता हूं। सबसे पहले मैं इसको एसबीआई को सिलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद एस बी आई बी कर देता हूं, मैं बाद में इसको हटा दूंगा इस लाइन को, ठीक है, और इसकी कलर जो है बैकग्राउंड कलर, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे कर देता हूं। नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी, यहां पे फॉर्मेट में इसकी सैप्स फील कलर जो है, सैफ फिल कलर जो है वो मैं व्हाइट करता हूं या ये कर देता हूं, ठीक है, और बाकी जो दो है उसको मैं ब्लैक कर देता हूं, और मैं इसको स्टॉप करता हूं। अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग में जाता हूं, इसकी प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग में जाऊंगा, तो इसमें ये सब डिलीट कर देता हूं, ये सब नहीं चाहिए हमको। और ये भी हमें नहीं चाहिए। और ये भी नहीं चाहिए। इसकी जरूरत भी नहीं है, एसबीआई बी जो हमने किया हुआ ना, इसकी भी जरूरत नहीं है। हमें से तीन मैक्रो बनाने पड़ेंगे। मैं इसको असाइन मैक्रो करता हूं, एक बार देखता हूं असाइन मैक्रो करके, मैक्रो वन, यहां पे हमें थ्री सिलेक्ट करना पड़ेगा, टू की जगह थ्री, लेकिन चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये एस बी आई, ये हटा देता हूं इसको, हमें इसकी कलर चेंज करनी है, समझे, ये यहां पे एच डी एफ सी, और यहां सीट फोर के अंदर जो दिख रहा है, सीट फोर में यहां पे नंबर देना है,
तो इसके लिए तीन हमें माइक्रो बनाने पड़ेंगे, ठीक है, कि यहां पे अगर रेक्टेंगल एरो में रेक्टेंगल एरो होगा, टू एरो होगा, तो उसकी कलर को चेंज करना है, और उसके बाद इसको हम यहां से कलर करते हैं, एक मिनट, एक चीज हम भूल गए कि ब्लैक कलर करने का, ब्लैक कलर करना है उसका क्या होगा, तो इसका हम कोड ले लेते हैं ब्लैक कलर करने का, रिकॉर्डिंग करके, रिकॉर्डिंग से क्या होता है कि हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉर्मेट शेप्स कलर बोल्ड ब्लैक। अब यहां पे ये रहा ब्लैक कलर का, ये रहा कोड, ये रहा। तो यहां पे हमने हमने ऊपर वाले को सिलेक्ट किया और नीचे जो दो दो है उसको हम कलर कर देते हैं बिना सिलेक्ट किए हुए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक्टिव शीट डॉट शेप्स ये लेना पड़ेगा, यहां से डॉट सिलेक्ट है ना, सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन की जगह पे इसको देते हैं, और यहां भी सिलेक्शन की जगह इसको डालते हैं, और यहां पे टू की जगह थ्री हो जाए, थ्री, ठीक है। और फिर वापस हम इसी को कॉपी करते हैं, तो ए थ्री की जगह फोर, और उसके बाद यहां जो हमारा ये है सीट फोर है इसका ए नाइन यहां देंगे कि रेंज ए नाइन। इसमें और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग हो सकती है लेकिन अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसलिए हमने कर दिया यहां पे इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये ए यहां पे मैं को चेंज करता हूं एरो वन, चाहे यहां पे करो वन एस बी आई, ठीक है। फिर इस पूरे प्रोग्रामिंग इस पूरे को कॉपी करते हैं, पूरे को कॉपी करेंगे और उसके बाद हम करेंगे यहां पे कि यहां पे ए हो जाएगा थ्री और ए भी हो जाएगा थ्री और ए हो जाएगा टू एंड थ्री, टू एंड फोर, कि टू को ब्लैक करना है एंड फोर को ब्लैक करना है, फोर तो है ही ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे टू कर देना है और इसका नाम एच डी एफ सी कर देना है, एच डी एफ सी, ठीक है। तो आपको हम दे देते हैं और यहां पे हो जाएगा आपका आई डी बी आई, आई डी बी आई, और यहां पे ये आपका हो जाता है फोर, ये भी आपका हो जाएगा फोर, और ये आ जाएगा आपका वन टू एंड थ्री, वन नहीं होता टू एंड थ्री, वन था ही नहीं इसलिए, ठीक है। एंड सब दो बार हो गया, एंड सब दो बार है, देखो कट कर देता हूं और यहां पे देता हूं थ्री, ठीक है। अब मैं ऊपर भी हुआ है एंड सब, हाँ अच्छा। उसके बाद हम यहां आते हैं और इस पे राइट क्लिक करते हैं असाइन मैक्रो, और इस पे आपका एस बी आई वाला मैक्रो असाइन कर देते हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं असाइन मैक्रो, इसे हम कंडीशन वगैरह लगा सके, एक ही मैक्रो से काम चल सकता है लेकिन हम यहां पे ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहां पे असाइन मैक्रो और यहां पे मैं कर देता हूं आई डी बी आई। अब देखिए अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, रिवर्क एरर कहां आ रहा है, विथ एक्टिव शीट सैप्स रेंज एरे पेगमेंट टू सैप फिल, इसमें क्या दिक्कत आ गया, सैप्स रेंज
कुछ ज्यादा रहे इसमें। अच्छा ये फिल हटा, ये सैप्स रेंज नहीं रहेगा। ठीक है सैप रेंज सब में हटाना पड़ेगा, क्योंकि सैप यहाँ पे सैप्स और रेंज ऑलरेडी है ना, इसलिए सैप रेंज सब में हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सैप रेंज फिल को कंट्रोल एच करता हूँ, रिप्लेस रिप्लेस सिर्फ फिल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, रिप्लेस ऑल, साथ रिप्लेसमेंट हो गया। चलिए SBI only comment may be appear the first MSUB. ओ एम सब ऑलरेडी है इसमें, और यहाँ भी 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने सीट्स का रेंज नहीं दिया, यहाँ पे सीट 4 देना चाहिए था, सीट्स यहाँ पे सीट 4 अब आएगा, क्योंकि सीट 4 में डेटा है हमारा ना, हमने सिर्फ 9 कर दिया है, यही गलती थी, राइट। ठीक है अब देखिए, अब आपका रिजल्ट भी चेंज होगा और आपका सब कुछ चेंज होगा, चार्ट भी चेंज होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज है कि सिलेक्शन जो बन जा रहा है, ठीक है सिलेक्शन बन जा रहा है ना, ये सिलेक्शन नहीं बनेगा क्यों, क्योंकि हमने ये लाइन जो है ना, इस लाइन को अगर डिलीट कर दिया सिलेक्ट करने की लाइन की, तो सिलेक्शन की जरूरत नहीं बनेगा, फिर सिलेक्शन बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, देखिए सर क्या हो गया, ये सिलेक्शन समझा नहीं, सिलेक्ट हो जाता था ना इस तरह से हो जाता था, ओके लेकिन ये राइट क्लिक करने पे आता है ना, नहीं ऐसे हो जा रहा था ये, जब जैसे कि मैं देखिए मैं इसको अगर एक्टिवेट करूंगा, जैसे इस पे क्लिक किया देख रहे हैं सिलेक्शन बन रहा है ना, हाँ 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 इसको पहले लाइन को डीएक्टिवेट कर देता हूँ तो नहीं बनेगा सेक्शन, राइट नहीं बना, ठीक है ओके। तो ये फाइल मैं आप लोगों को मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इससे रिलेटेड कुछ डैशबोर्ड में परिवर्तन करके दिखाइए, इससे रिलेटेड इसको कोई ऐसे रिपोर्ट में यूज करके भेजिए मुझे, ओके ठीक है ओके ठीक है, मिलता है कल सेम टाइम।